यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आज मुरादाबाद के 25 विधानसभा ठाकुर द्वार में मुख्यमंत्री योगी ने भरी हुंकार। कहा, पहली सरकारों में लगता था कर्फ्यू, अब निकलती है कांवड़ यात्रा मुरादाबाद। ठाकुर द्वार में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी ठाकुर अजय प्रताप सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले लगता था कर्फ्यू, अब निकलती है कांवड़ यात्रा। पहले स्कूल जाते हुए बेटियां डरती थीं, अब बेटियां पूर्णतः सुरक्षित हैं। व्यापारी अंधेरा होने से पहले घर चले जाते थे, लेकिन भाजपा सरकार में अब किसी का डर नहीं है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में गुंडाराज पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। योगी बाबा ने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कमल के फूल का बटन दबाकर भाजपा सरकार को दोबारा जिताने की अपील की। योगी जी अपने भाषण में मुरादाबाद के पीतल मजदूरों और पीतल उद्योग पर भी पिछली सरकारों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने मोदी सरकार में मुरादाबाद के पीतल उद्योग को मजबूत बनाने में सहयोग की भी सराहना की तथा कहा कि अगर दोबारा सरकार बनती ही है तो पीतल कारोबार के लिए और पीतल उद्योग को भी अनदेखा नहीं किया जाएगा। योगी जी ने पिछली सरकारों पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। कहा, उस समय में धर्म देख कर नौकरियाँ दी जाती थी, धर्म देख कर ही सरकारी सहायता दी जाती थी। मुरादाबाद से सुधीर गोयल की रिपोर्ट, SKH न्यूज। झंडा समझो बैठा है कोई कुख्यात गुंडा। ये चौधरी अजीत सिंह कहते थे और आज उनके लाडले उसी सपा के झंडे में ऐसे लिपट करके चल रहे हैं जैसे कि अब आजम खां का स्थान वही ले लेंगे। लेकिन ये मुजफ्फरनगर के दंगों को भूल जाते हैं, कोसी कला के दंगों को भूल जाते हैं, मुरादाबाद और बिस्नौर के सांप्रदायिक तनाव को भूल जाते हैं। भाइयों बहनों, इन्होंने केवल लूटा है, गरीबों का छीना है। कोरोना कालखंड में सोचे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? वाह भाई, आपने तो सब लोगों ने वैक्सीन ले लिया। यानी मैं मान करके चलूं कि 100% लोग वैक्सीन ले लिए हैं, यानी 100% वोट पक्का। क्योंकि जो लोग विरोध करते थे इस वैक्सीन का, करते थे ना, कहते थे वैक्सीन मोदी वैक्सीन है, ये भाजपा का वैक्सीन है, नहीं लेंगे। आज आप उनको बताएंगे ना कि हम मोदी वैक्सीन से ही कोरोना से लड़ रहे हैं। जब वैक्सीन मोदी है, भाजपा का वैक्सीन है, तो फिर जब ये जान बचा रहा है तो हम वोट भी इसी को देंगे, ठीक है ना? ठीक बात है, संकल्प ले लिया है। भाइयों बहनों, जो संकट का साथी वही सच्चा साथी, शेष तो अवसरवादी है। वैक्सीन के बाद डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन भी मिलना होगा ना। पहले ये सड़क का, एयरपोर्ट का, फिल्म सिटी का और मुरादाबाद को तो पीतल उद्योग के रूप में हम लोगों ने दुनिया के सामने फिर से प्रस्तुत कर दिया है। कोई भी भारतीय ऐसा नहीं जो अपने बेटी की शादी में मुरादाबाद में बने हुए पीतल के बर्तन दान न देता रहा हो। लेकिन ये सपा बसपा कांग्रेस ने ऐसा बना दिया था कि एक समय लगा कि पीतल के बर्तन अपन नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर से पीतल नगरी के रूप में मुरादाबाद देश और दुनिया के सामने फिर से अपनी एक नई चमक के साथ, एक नई आभा के साथ जगमगा रही है। ये तो कार्य पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किए हैं। सरकार तो वही है, पार्टी बदली थी, चेहरे बदले हैं, मुख्यमंत्री बदले थे, वे काम नहीं कर पाते थे, हमने काम करके दिखा दिया। उनके समय में दंगे होते थे, लूट खसोट होती थी, राहजनी होती थी, छिनैती होती थी, डकैती पड़ती थी, आज ये सब बंद है। उनके समय में गरीब का
पैसा लूट लिया जाता था, कहां जाता था बताओ? उनका पैसा कहां जाता था? उनका पैसा जाता था इत्र वाले मित्र के घर में। और इसीलिए तो हम इत्र वाले मित्र के लिए ही बुलडोजर लेकर के आए हैं। आज सरकार का बुलडोजर चलते हुए देखते होंगे ना, प्रदेश में माफिया राज लाने वाले और गरीब ना चाहिए ना, बुलडोजर की यात्रा निर्बाध आगे बढ़नी चाहिए ना। इसके लिए भाइयों बहनों, अजय प्रताप सिंह को यहां से चुनाव जीतना आवश्यक होगा।